हेलो, वेलकम टू द पायलट 360। लास्ट तीनों वीडियोस में हमने ये तीनों कॉन्सेप्ट के ऊपर डिस्कशन किया। ओके, नाउ द लास्ट वन इज द कॉन्सेप्ट ट्रायंगल्स हैविंग द कॉमन बेस एंड इक्विलेटरल्स। अगर दोनों ट्रायंगल में अगर बेस और हाइट इक्वल रहेगा तो इसको समझने के लिए मैंने गोल्डन स्टेटमेंट का हम यूज करेंगे, तो हमारे लिए और इजी हो जाएगा। गोल्डन स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, इफ टू ट्रायंगल्स लाइज बिटवीन पैरेलल एंड देयर हाइट्स आर इक्वल। अगर दो गिवन ट्रायंगल आपके अगर दो पैरेलल के अंदर अगर लाई करते रहेंगे तो दोनों का हाइट क्या रहता है, इक्वल रहता है। उसी गोल्डन स्टेटमेंट का हम यूज कर रहे हैं। यहाँ पे देखो ये फिगर के अंदर आपको दिया है AD square to BC, so AD और BC पैरेलल है और आपको इस ट्रायंगल का एरिया का आपको रेशियो फाइंड करना है। सो मैं जब ऑब्जर्व करता हूँ ABC और DBC से, ABC DBC बोथ ट्रायंगल लाइज बिटवीन पैरेलल्स AD एंड BC, तो गोल्डन स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, अगर दो ट्रायंगल पैरेलल के अंदर अगर लाई करते रहेंगे तो दोनों का हाइट इक्वल रहेगा। सो आई राइट हियर ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DBC लाइज बिटवीन पैरेलल्स AD एंड BC, देयरफॉर देयर हाइट्स आर इक्वल एंड आल्सो दे हैव द कॉमन बेस BC। ABC का बेस BC, DBC का बेस BC, सो ये दोनों ट्रायंगल में हाइट और बेस इक्वल है। सो इसका सिंपल फॉर्म ऐसा आएगा, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 equal to B2, comma H1 is equal to H2 और रेशियो आएगा 1 upon 1। Why? Because base equal ही cancel हो जाएगा, height equal ही cancel हो जाएगा। So that is we write A1 equal to A2. So when two triangles having common base and equal heights, their areas are equal। तो ये concept आपको कब use करना है, जब दोनों triangle में कॉमन बेस और हाइट क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। ओके,